महिलाओं पर अत्याचार को लेकर ब्राह्मण अंतर्राष्ट्रीय महिला संगठन की नवनियुक्त प्रांतीय प्रमुख महासचिव सुमन वीरेंद्र चतुर्वेदी ने भिंड के वीरेंद्र वाटिका हनुमान मंदिर पर प्रेस वार्ता में कहा कि महिलाओं के अधिकार और शिक्षा को लेकर पुराने रूढ़ियों से निकलकर समाज में अभी भी और जागरूकता की आवश्यकता है। और उन्होंने कहा कि धर्म, शिक्षा, विवाह और विधवा पर विचार कर हम बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। चतुर्वेदी ने कहा कि हमें ऐसे समाज का निर्माण करना है जो आर्थिक दृष्टि से संपन्न हो लेकिन चारित्रिक रूप से व्यसन मुक्त और समाज को नई दिशा देने में सक्षम हो। इसके लिए समाज की महिलाओं की आवश्यकता है। उन्होंने समाज की जिम्मेदारी मिलने पर संगठन और समाज का आभार जताया। बस महिलाओं को ही आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश है और जो आजकल जो लड़कियां भी आजकल थोड़ी अभद्रता में जा रही हैं उनको भी सुधारने का पूरा प्रयास करेंगे। और ये युवाओं से भी कहेंगे कि नशा पात्र वगैरह ये कम से कम करें और उसे उसका उन्मूलन करें, वही ज्यादा अच्छा है। उनकी पढ़ाई लिखाई का जैसे बहुत सी महिलाएं ये परेशान है, इनके लिए जो कोई मतलब सरकारी सुविधाएं नहीं उनको भी दिलवाने की कोशिश करेंगे और हमसे बनेगा वो हम लोग भी पूरा प्रयास करेंगे।